हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर। जब भी खाने का कुछ दिल करता है तो ऐसा लगता है कि बस फटाफट बन जाए, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। हाँ, कुछ तैयारी पहले से की हुई है तो खाना फटाफट बन सकता है। अब जैसे लेमन राइस को ले लें, कर्ड राइस को ले लें, इमली राइस को ले लें, जो राइस की डिशेज हैं उसमें अगर राइस पहले से बनाया हुआ है तो उसमें बड़ी जल्दी से तैयारी हो जाती है, मतलब सिर्फ तड़का लगाना होता है। तो ये लेमन राइस जो है ना, वो कैसे फटाफट बना सकते हैं मैं बताता हूँ। हाँ, इसके लिए मैं दावत सुपर बासमती के साथ में इसको बना रहा हूँ। और ये जो मेरे पास दावत सुपर बासमती है, सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडियन डिश हो, चाइनीज डिश हो, मैक्सिकन डिश हो, बड़े वर्सेटाइल राइस है, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए दावत सुपर बासमती, इसको पानी के अंदर भिगो के करीब आधे घंटे तक, फिर उसमें से पानी निकाल लिया और इसको बॉयल करना है। चावल पहले से पका हुआ होगा तो बाकी सारी तैयारी तो हो ही जाएगी। तो ये दावत सुपर चावल को उबाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। जब तक ये चावल पकता है तब तक मैं बाकी तैयारी करता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा अदरक चाहिए, अदरक भी हो गया। इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल, इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स, राई, पीनट्स छिलके के साथ में, रॉ पीनट्स हैं, इसे जरा मस्टर्ड सीड्स के साथ में बढ़िया से पकने लग जाएंगे। उसके साथ में हींग, हींग की बढ़िया सी खुशबू, चना दाल, उड़द दाल, ये लीजिए क्या बढ़िया खुशबू आने लग गई है इसमें। अब इसमें डालते हैं करी पत्ते, अदरक डाल देते हैं इसके अंदर, सूखी लाल मिर्च, चावल, चावल का क्या हाल है। हाँ, ये दवा हल्की सी रेजिस्टेंस इसमें अभी है, करीब 30 सेकंड और इसको हम पकाएंगे। तब तक ये जो हमारा मसाला है ये भी तैयार है, इसके अंदर हल्दी, साथ साथ नमक और ये सब चीज़ें हो गई मिक्स। लेमन राइस का मिक्सचर तैयार, बस इसको ज़रा बंद कर देते हैं अभी हम। चावल हमारा तैयार है, इसे छान लेते हैं। ये जो हमारा मसाला जो हमने बनाया है, इसके अंदर अब नींबू का रस, इसमें गैस बंद कर दी है मैंने, अब नींबू का रस डाल रहा हूँ। और ये नींबू का रस, चावल इसके अंदर और सब जो चीज़ें हैं इसको मिक्स कर लेते हैं। कितना बढ़िया खिला खिला कलर इसका दिख रहा है। हाँ, ये मिक्स तो बढ़िया से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब इसमें स्वाद नींबू का कितना है वो देखना जरूरी है। खुशबू अच्छी है, परफेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नींबू का जो पूरा फ्लेवर है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है। प्लेटिंग के लिए केले का पत्ता रखा, ये अपने आप ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा प्लेट में डाला, थोड़ा पैन में रहने दिया और थोड़ा खाना शुरू किया। मजेदार। दावत बनेगा तो फर्क दिखेगा।